हेलो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा पेनीवाइज, हमारा पड़ोसी। इसका आज अपन देखने वाले फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब कैसे इसका जन्म हुआ, ये नॉर्मल इंसान से पेनीवाइज कैसे बन गया भाई, फिर पेनीवाइज बन के इसने क्या क्या किया, और फिर गाइस ये कैसे मर गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो बचपन में जो पेनीवाइज था वो पेनीवाइज नहीं था, वो एक नॉर्मल सा बच्चा था जो कि ये, और ये बच्चा काफी सीधा साधा था, बहुत नॉर्मल सा था। लेकिन जो सीधा साधा नहीं था वो थे इसके पापा जो कि थे ये। और गाइस ये जो इसके पापा है ना, ये एक्चुअली में क्या करते थे, इनका सर्कस में काम था। ये सर्कस में एज अ क्लाउन वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस देते थे, और वहाँ पे परफॉर्मेंस से इनको ठीक ठाक पैसे मिलते थे, और उसी से इनका घर चलता था। लेकिन कभी कभी ये जो इनका बेटा है ना, ये इनको देख के डर जाता था, और फिर ना ये अपने पापा से थोड़ा सा रूठ जाता था, क्योंकि इसको पसंद नहीं था कि इसके पापा ऐसा मेकअप वेकअप लगा कर आए, और उसके पापा जो काम करते हैं ये इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये अपने पापा से काफी नाराज रहता था, और ये हमेशा यही सोचता था कि कब इसके पापा ये घटिया सा काम करना छोड़ देंगे। लेकिन गाइस ये एट द एंड एकदम उदास हो जाता था कि यार मेरे पापा ऐसा सब क्यों करते हैं, बाकी के पापा तो इंजीनियर है, किसी के डॉक्टर है, किसी के ये किसी के वो, मतलब सारे अच्छे अच्छे जगहों पे, और मेरे पापा ऐसा जोकर काम करते हैं। तो इस बात का इसे काफी दुख तो रहता था, और ये हमेशा यही सोचता था कि एक दिन मैं काफी ज्यादा पढ़ लिख के काफी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और फिर फाइनली मेरे पापा को ऐसा सब काम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरे साइड इसके पापा जो थे ना, वो एक्चुअली में थोड़े से इविल टाइप के थे, मतलब इसके पापा इसके बेटे के सामने काफी ज्यादा एक्टिंग करते थे, उनका एक्चुअल काम कुछ और ही था। उसके बेटे को लगता था कि उसके पापा सिर्फ और सिर्फ क्लाउन की एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्लाउन ही थे गाइस। मतलब जब रात होती है तब इसका असली चेहरा बाहर आता है गाइस। इसके पापा को रात को काफी ज्यादा लोगों को डराने में मजा आता था, और ये एक्चुअली में कोई सर्कस में जाता नहीं था, ये मतलब ऐसा इंसान था जो कि जिस भी बंदे को नॉर्मली चलते चलते देखता था ना, उसको छुप के डराने की कोशिश करता था भाई गाइस। और इनके शहर में कैसा रहता था ना कि हर एक शहर का अलग अलग सबसे बदमाश क्लाउन रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो शहर था ना, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा स्केरी या फिर सबसे ज्यादा हॉरर अगर कोई क्लाउन होता है, या फिर कोई भी ऐसा जो बंदों को डराता है, तो यही बंदा था। पहले तो ये खोजता था कि कौन ऐसा दिख रहा है जो अकेले चल रहा हो, या फिर जो अंधेरे में एकदम थोड़ा सा मतलब डरा हुआ है, फिर से इसका शिकार मिलता था गाइस। फिर ये एकदम सुनसान सी जगह पे जाता और अपनी फेवरेट गाड़ी पे बैठता, और वहां पे कोई नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ ये और उसका एक शिकार जिसके लिए ये आया है। इस सामने बैठे हुए इंसान को जैसे भी हो सके वैसे डराने की कोशिश करता, लेकिन जब ये देखता कि वो इंसान काफी निडर है, तो फिर यहाँ सब बदलता गाइस। इसका एक रूल था, जो डर जाएगा उसको मैं छोड़ दूंगा, जो नहीं डरेगा उसे मैं मार दूंगा। फिर यहाँ से चालू होती है इसकी कहानी। तुम बहुत ज्यादा निडर हो, तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, तुम लोग सर्कस में रहो, नाचते गाते अच्छे लगते हो, डराओ नहीं भाई, मुझे गुस्सा आ गया तो तुम डर जाओगे। अच्छा, तो तू हम जैसों को अलग समझता है, अपने आप को बहुत आगे समझता है। अब जा नदी में बह जा। ये लोग जो अपने आप को डरते नहीं है और बहुत बड़ा समझते हैं, लोगों को सजा देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मैं ऐसे लोगों को सजा नहीं दूंगा तो फिर ये लोग समाज के लिए काफी बड़ी दिक्कतें पैदा कर देंगे। हमारा जो क्लाउन समाज है वहाँ पे हम ऐसा ही करते हैं, जो डरता है उसे हम आगे जाने की आज्ञा देते हैं, जो नहीं डरता है उसका सफर वहीं खत्म कर देते हैं। अब ये यहाँ से बह जाएगा, कोई इसे पहचान भी नहीं पाएगा, सब इसे भूल जाएंगे गाइस। तो ये पेनीवाइज के पापा की कहानी। लेकिन गाइस अभी इसके पापा बहुत कुछ करने वाले हैं, और पेनीवाइज को कुछ भी खबर है नहीं। लेकिन हाँ, आप भी कुछ कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब बटन गाइस, सब्सक्राइब बटन आपने नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अभी फिलहाल अपन पेनीवाइज के पास चलते हैं गाइस। तो ये था पेनीवाइज, ये अपना घर वार छोड़ के अपने सारे कपड़े रस्ते पैक करके ट्रेन के बाजू में खड़ा हो गया, ट्रेन का वेट कर रहा था। ये सोचा था कि मैं घर छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि इसको ना तो घर में कुछ अच्छा लगता और ना ही इसके पापा इसको टाइम देते या बात करते, और इसे कुछ भी अच्छा ही लग रहा था, तो ये घर छोड़ के भागना ही सबसे सही समझता है। लेकिन गाइस इसने उस रात ट्रेन का बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन ट्रेन ही नहीं आई, और सुबह हो गई, और फिर ये वहां से काफी ज्यादा थक जाता है, और अब सोचता है यार कि अब तो ट्रेन आई नहीं, तो मतलब ट्रेन का वेट करना तो बेवकूफी है भाई। लेकिन अब इसका घर जाने का भी मन नहीं था, तो ये सोचे पड़ेगा कि मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं, घर में जाऊंगा तो फिर पापा डांटेंगे कि इतने देर तक कहां था, ऐसा सोचता है ये। और जब ये चलता रहता है तो ये देखता है कि झाड़ के पीछे कोई हाथ हिलाता हुआ खड़ा हुआ है, पर ये समझ नहीं पाया कि वो कौन हो सकता है। काफी सोचता है क्या झाड़ के पीछे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं ये कोई बच्चा किडनैप करने वाला तो नहीं है। लेकिन फिर ये चला जाता है। बेटा कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुझे तुम्हारे एक दोस्त से पता चला तुम मुझे छोड़कर भागने की सोच रहे थे। क्यों बेटा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा मुझे आप पसंद नहीं हो, आपका जो काम है वो भी मुझे पसंद नहीं है, और ना ही मुझे आपके साथ रहना भी पसंद है, आप मुझे जाने दीजिए पापा। बेटा ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हारा घर, तुम्हारा
तुम्हारा पेट पालने के लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे कौन सा ये काम बहुत अच्छा लगता है बताओ। थोड़े दिन की और बात है, थोड़े दिन के बाद मैं अपना ये काम बदल लूंगा और अपना कपड़ा, अपना होलिया सब बदल लूंगा, ठीक है? अच्छा ऐसा है क्या पापा, फिर तो ठीक है, फिर मैं आपके साथ रह लूंगा पापा, रह सकता हूँ मैं। चलो बेटा मेरे साथ मेरी नई गाड़ी में बैठो। पापा आप हर दिन एक नई गाड़ी कैसे ले आते हैं? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस गाड़ी में बैठो। ये मैंने कल किसी को इस दुनिया से मुक्त कर दिया था, ये उसी की होगी। ये लोग मुझे अपने गिफ्ट में ऐसी सरप्राइजेस दे देते हैं बेटा। अगर तुम्हें भी हर दिन एक नई गाड़ी चाहिए हो तो तुम भी आजकल लोगों को ऐसा ही मुक्त करना चालू कर दो बेटा। नहीं पापा अभी तो मेरा स्कूल जाने का समय है, मैं अभी स्कूल जाऊंगा। बेटा तुम्हें एक सेकंड वेट करना, मैं इन लोगों से अपने पैसे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? और कितना भी कुछ हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तुम बस आगे देखते रहो, ठीक है बेटा? ओके डैड, मैं आपका ऐसे ही इंतजार करता रहूंगा, आप जल्दी आना। अरे ये बुद्धू लोग, मैंने तुमसे कहा था कि पैसे को ऐसे खाली नहीं रखना है, सूटकेस में भर के रखो। तुम लोग के भेजे में कुछ घुसता नहीं है क्या? बहुत हुआ बहुत, अब से हम आपके गुलाम नहीं है। ये जितने पैसे हैं ये हम आपको अब नहीं दे पाएंगे। ये सारे पैसे मैंने चोरी करके लाए हैं, तू मुझे मना कैसे कर सकता है? सिर्फ वो नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। हाँ हम भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगा। तुम सब चिंदी चोर कल के आए हुए हो और तुम आज मुझे 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 दिखा रहे हो कि तुम नहीं दोगे। हाँ तुम लोगों को अभी बताता हूँ मैं, आ जाओ। क्या अभी भी तुम लोग मुझे पैसा नहीं दोगे? हाँ नहीं देंगे बॉस, समझ में आया? ओए ये क्या है, तुम लोग मुझे मारने की मारने की नहीं मार ही डाला बॉस। अरे ये क्या आवाज आई, पापा ने तो कहा है मुड़के मत देखना। तो ठीक है मैं डैड को मुड़के नहीं देखूंगा। गाइस फिर ये बच्चा एक्चुअली में मुड़के देखता ही नहीं है और ये बहुत देर खड़ा रहता है। एक्चुअल में रात हो जाती है, अब ये इतना देर हो जाता है कि ये सोचता है कि यार इतने देर तक तो पापा ऐसा हो ही नहीं सकते, तो ये मुड़के देखता है और फिर इसे जो दिखाई देता है वो देख के ये अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके बाद गाइस ये अंदर से पूरा टूट जाता है, यहाँ तक कि ये बहुत परेशान भी होता है। लेकिन गाइस एट द एंड ये समझ जाता है कि अब इसके पापा इसके साथ नहीं है। लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चे रोते हैं ये उसे छोड़ के नाचने लगता है और बाजू में इसके पापा चले जा चुके हैं और ये नाच रहा होता है। गाइस अब ये क्यों नाच रहा है, क्या इसके पापा नहीं है इसीलिए, या फिर ये फ्री हो गया इसीलिए, या फिर ये काफी ज्यादा दुखी है इसीलिए, कुछ नहीं पता, पर ये बस नाच रहा है। और तभी वहां से कोई राउंड मार रहा था और उसने देखा कि वहां पे एक बच्चा अजीब सा नाच रहा है, लेकिन वो कोई और नहीं वो पुलिस थी गाइस। और वो लोग समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो अजीब सा हुआ है और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है और फिर ये बच्चा, तो ये लोग सब कुछ समझ गए कि यहाँ पे इस बच्चे ने इसे मार दिया है। ये लोग ऐसे समझ गए। You are under arrest. गाइस तो गन फिर इसके पास भी थी लेकिन वो पुलिस वाला इसे छोड़ नहीं रहा था गाइस। और इसके पास ये गन कहाँ से आई इसका कोई हिसाब नहीं था। और फिर ये उस दिन अपना पहला मर्डर करता है, लेकिन अब पुलिस के लिए दो मर्डर कर चुके हैं, एक पुलिस वाले का और एक इसके पापा का। अब इसके पापा का मर्डर एक्चुअली में किसने किया ये इसके पुलिस को पता ही नहीं था। फिर ये अजीब सी कैसे तो गाड़ी चला के वहां से भागता है गाइस। और अब काफी सालों बाद ये है हमारा पेनीवाइज। इस बीच में गाइस इसने बहुत कुछ किया लेकिन एट द एंड ये समझ गया कि क्यों इसके पापा क्लाउन बनना ही सही समझते थे, क्यों इसके पापा अपने फेस पे एक मास्क लगाते थे। तो अब ये भी अपने फेस को रंगना चालू कर दिया और अब गाइस इस रंग में ये बहुत कुछ करता है। तो ये लिटरली अपने पापा से भी एक कदम आगे चलता है गाइस। इसके पापा पहले शिकार खोजते थे और फिर जाके शिकार करते थे, पर गाइस ये जहां घुसता है वहां जाके शिकार करता है। और ये ऐसा खतरनाक जानवर बन चुका है ना कि मतलब इसके सामने पुलिस हो या कोई भी हो ये पुलिस को ऐसे ही चकमा दे देता है। और इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहे किसी को भी मार दे या कोई ना मरे, इसके लिए ये सब बहुत छोटी सी बात है। पहले ये काफी सारी गाड़ियों को रोकता है, उसके बाद ये चुपचाप जाता है उसी गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और फिर गाइस वो गाड़ी को फोड़ देता। लेकिन इसे मेन बदला असली में लेना उन क्लाउन से था जिन्होंने इसके पापा को मारा था। और ये ऐसे अजीब से काम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करता था कि वो बाकी जो क्लाउन है ना उनको अट्रैक्ट कर सके। और एक बार वो सारे क्लाउन्स को ध्यान में चला गया तो वो सारे इसके पास आ जाएंगे, ये इसका मेन प्लान था। तो एक दिन ये ऐसे ही सो रहा था और काफी दिन हो गए थे इसे वो क्लाउन्स नहीं मिल रहे थे, तो इसने सोचा कि यार अब तो क्लाउन्स मिलने से रहे, आराम से सोता हूँ और कल इस शहर से वापस निकल जाऊंगा। ऐसे ही सोच के ये आराम से सो जाता है और यहाँ पे थोड़ी देर में आसपास वो सारे क्लाउन्स आगे खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है दोस्ती कर ले। अब इस क्वेश्चन के बाद यहाँ से सीधा चलते हैं कुछ साल आगे। ये बन चुका था इनका ग्रुप द सेवन क्लाउन। और गाइस इसमें जो अपना ये पेनीवाइज है ना ये ब्लू वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके गैंग को एक मकसद से ज्वाइन किया है कि मौका देखते ये इनसे बदला लेगा और बदला लेने के बाद ये हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगा और अपना पूरा भेष बदल लेगा। ये इसका प्लान है और ऐसा भेष बदलेगा कि कोई इसे पहचान नहीं पाएगा, कोई इसे कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ये अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी कर
करने वाला है, मतलब इसके पास एक अजीब सा इंजेक्शन हाथ लगा है। ये इन सब को निपटाने के बाद, इनसे बदला लेने के बाद वही इंजेक्शन को लगा लेगा और फिर ये हमेशा के लिए बिल्कुल अलग दिखेगा, तो कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। तो ये इसका प्लान है। अब लेट्स सी इसका प्लान एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, अगले सुबह इसको काम दिया गया कि यहाँ पे ये जो सामान है ना, इसे एक्चुअल में जहाँ पे डिलीवर करना है वहाँ पे जाके डिलीवर करके आ जाए। लेकिन जो बाकी के क्लाउंस है ना, उन लोगों को ये बहुत नया था तो इसमें पूरा विश्वास नहीं था। तो इन लोगों ने एक्चुअली में इसके इस सिस्टम के अंदर जो कि इनकी गाड़ी थी ना, इस पे GPS और उसके बाद साउंड रिकॉर्डर और माइक कैमरा सब कुछ लगा दिया था। लेकिन अपना जो ये पेनीवाइज था ना, इस पेनीवाइज को ये सब कुछ पता नहीं था, तो ये सोचता है कि इनसे बदला तो लेना ही है। तो बदला लेने के लिए जो इनके सामान है ना गाइस, मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ इलीगल स्टफ लग रहा है मेरे को। तो ये सोचा था कि इस सामान को और इस ट्रक को, इन दोनों को मैं पानी में बहा दूंगा और बहा के मैं भाग जाऊंगा, ऐसा ही इसका सोचा हुआ प्लान था। लेकिन ये इन लोगों को निपटाना भी चाहता था। तो फिर गाइस उसके बाद इसने ना ये वही किया जो इसे नहीं करना था। ये एक जगह ट्रक को रोकता है और फिर किसी से कॉल में बात करता है और ये बोलता है, हाँ सारी तैयारी हो गई है ना, आज ही रात का समय है, आज ही सब करना है, ठीक है, सारी तैयारी रख लो। नहीं नहीं, अभी मैं उनका कोई नुकसान नहीं करूंगा। गाइस तो इसने ऐसे ही काइंड ऑफ कोड वर्ड्स में बात किया और फिर ये चला गया। लेकिन वो जो बाकी के क्लाउंस थे ना, उन तक ये आवाज पहुंच चुकी थी और वो लोग थोड़े से कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में करना क्या चाहता है। बट इन्होंने इसको जो काम दिया था, इसने वो एक्चुअली में अच्छे से कर दिया। ये गया जहां पे डिलीवर करना था और वहां पे इसने डिलीवर कर दिया, ट्रक के साथ वहां के सामान दोनों को डिलीवर कर दिया और फिर ये बता भी दिया, अरे मैंने तुम्हारे सारे काम कर दिए हैं, वो रही तुम्हारी ट्रक और उसके अंदर है तुम्हारा सामान, ठीक है। ये बाइक लेकर चले जाओ यहाँ से और किसी को बताना नहीं कि ये जगह कहाँ पर है, ठीक है। अरे वाह, ये बाइक तो काफी अच्छी लग रही है। फिर गाइस ये रात का इंतजार करने लगता है। इतने समय जो उसने प्लानिंग करी थी, प्लॉटिंग करी थी, सोचा था वो सब आज फाइनली जाके होने वाला था। तो फिर फाइनली गाइस रात आती है और फिर ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। तो आज ये लोग घूमने जाने वाले थे और इन्होंने ये वाली गाड़ी चूज करी, तो इसने ये सोचा कि मैं चुपचाप गाड़ी में बॉम्ब लगा देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो ये वही करता है गाइस, चुपचाप जाता है और वहां पे टाइम बॉम्ब लगा देता है भाई, और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। फिर गाइस बाकी के क्लाउंस आके इसमें बैठ जाते हैं और ये लोग निकल चलते हैं। लेकिन गाइस इस वाली कार में सिर्फ 3 क्लाउंस थे और बाकी के 4 क्लाउंस दूसरे कार में थे, तो इसने उस वाली कार में भी बॉम्ब लगा दिया था। और अब वो दोनों गाड़ी आजू बाजू में ही चल रही थी और ये सोच लिया था कि आज ही मैं इन लोगों का खात्मा कर दूंगा, आधे क्लाउन लेफ्ट वाली में, आधे क्लाउन राइट वाली में। तो फिर क्या गाइस, इसने मौका देखा, जैसे रेड लाइट आई ये कूद गया और इसने सब गाड़ी को फोड़ दिया। गाइस सारे क्लाउंस निपट गए और बचा रह गया तो सिर्फ ये एक पेनीवाइज। और फिर उस दिन गाइस पेनीवाइज पहली बार चैन की नींद सोने वाला था, उसका बदला पूरा हो गया, वो बहुत खुश था। वो अपना नया मेकअप लगाने वाला था और कल के दिन वो यहाँ से निकलने वाला था। हालांकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ पेनीवाइज को लग रहा था, क्योंकि पेनीवाइज ने जितने क्लाउन्स को मारा था उसमें से एक क्लाउन ऐसा था जिसे पता चल गया था कि पेनीवाइज आज सबको मारने वाला है और ये क्लाउन उन सब के पैसे लेके भागना चाहता है। ये मोस्ट प्रोबेबली आज पेनीवाइज को निपटा देगा। लेकिन जो वाला क्लाउन था ये सोचता है कि ये कभी और निपटाएगा और ये वहां से चला जाता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या था। लेकिन ये उस दिन पेनीवाइज को मारता नहीं है भाई। फिर अगले दिन पेनीवाइज को मेकअप लगा देता है और मेकअप ऐसा रहता है कोई उसको पहचान ही नहीं पाता है। गाइस कपड़े बदल लिए, उसने अपने मुंह में इंजेक्शन मार लिया है, लाइक लिटरली उसके कारण उसका पूरा मुंह ही बदल गया है। गाइस अब तो आप पेनीवाइज की कहानी जानते हो। यहाँ से पेनीवाइज एक दूसरे शहर जाता है, वहाँ वो सारे बच्चों को डराता है, बूढ़ों को डराता है, सबको डराता है। जो भी उसे रात के समय दिख जाए वो उन्हें छोड़ता नहीं है गाइस, चाहे फिर वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पेनीवाइज किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी आ जाए। और वो ऐसे ही इरादे से एक दिन किसी के घर पे जा रहा था और उसने सोच लिया था कि आज तो वो कुछ करेगा ही तूफानी, बहुत गुस्से में था वो। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ये सोचता है आज तो मैं इसे ही मारूंगा। लगता है आज का शिकार मेरे सामने खुद आया है, ओए टकले पीछे मुड़। जब वो मुड़ता है तो वो कोई और नहीं उसका दुश्मन रहता है। ओए तू कैसे बच गया है, तू मुझे पहचान सकता है? मैंने तेरे लिए ही अपने रात गुजारे हैं, समझा? अरे नहीं। तो गाइस ये तो था पेनीवाइज का फ्रॉम बर्थ टू डेथ। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।